नमस्कार, बीटीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। जितने भी कोरोना लॉकडाउन से परेशान थे उन लोगों को रमजान राशन किट्स के नाम से और साथ ही साथ फिर उनको सरकारी दवाखानों में जो परेशान आते कोई आके देखा नहीं जा रहा था, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, कोई एनजीओस नहीं आ रहा था, ऐसे परेशान हाल में हमने इसको बेड़ा उठाया और जितने भी सरकारी दवाखाने थे उस दवाखानों में खाने के गजाई के पैकेट्स और साथ ही साथ फल वगैरह जो मरीज थे और मरीज के रिश्तेदारों में भी हमने ये तकसीम किया। तो गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान 60 दिन तक मुसलसल हमने राशन किट्स की तकसीम अमल में लाए, जिसमें गुरबा के साथ ही साथ जो हमारे जर्नलिस्ट जो ताल्लुकात रखते हैं सहाफत से उन लोगों को और बल्दिया के अहदेदारों को, महकमा पुलिस को और जितने भी सरकारी अहदेदार जो बिल्कुल परेशान थे तनख्वाह वगैरह की परेशानी की वजह से वो लोग नहीं आ सके, उनको परेशान हो रहा था गजाई की तरह वजह से, हमने उसको भी बेड़ा उठाकर उनको भी उन लोगों ने हम राशन किट्स के नाम से तकसीम किया था। फिर साथ ही साथ फिर एक दौरा हुआ हम लोगों का कि भाई जो देहात अजला के जो मसाजिद है, मसाजिद में जो कम तनख्वाहों पर इमाम खतीब मुफ्तियां जो कम तनख्वाहों पर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वैसे लोगों भी बहुत परेशान हाल थे। हमने गुज़िश्ता साल हमारे जनाब हाफिज़ खालिद साहब की तरफ से हमने नुमाइंदगी की कि भाई उनके परेशानियां आप लोगों के जो भी मुसीबत जो परेशानियां थे हम उनको सुनाया तो फौरी उन्होंने तवज्जो लेते हुए गुज़िश्ता साल 10 मसाजिद के अहमा
मज़मीन और खादिमीन को हमने नजराना अतिया के तौर पे हम लोग रमजान अतिया के नाम से नजराना पेश किया था। फिर साथ ही साथ ये साल भी मैंने उनको इल्तिजा की कि साहब गुज़िश्ता साल जो परेशान थे ये कोरोना का रात का कर्फ्यू होने की वजह से परेशानी हो रही है, मुसीबत हो रही है, अगर इंशाल्लाह अगर इस बार भी हमको कुछ ताउन करें, इन लोगों के लिए कुछ मदद करें तो इसका अल्लाह ताला अजर देगा। उन्होंने फौरी हाफिज खालिद साहब ने हमारी बात को रखते हुए इस बार हमने 18 मसाजिद की निशाइंदगी की, जिसमें गुज़िश्ता साल जो 2000 रुपये फी इमाम साहब को और मौज़िन साहब को दिया था, लेकिन ये साल ज़रा तादाद बढ़ने की वजह से जो रकम थी वो गुज़िश्ता रकम वही रकम दी है उन्होंने, उस वजह से मसाजिद के होने की वजह से फी इमाम को हम 1500 रुपये और मौज़िन को और खादिमीन को 1000-1000 रुपये मुकर्रर कर रहे हैं। तो इस तरह से 20000 रुपये की आज यहाँ पे तकसीम अमल में लाई जा रही है। 18 मसाजिद जिसमें हैदराबाद के अलावा दुंदीगल है, खैसर नगर है और अपने दुंदीगल पटनचोर है और मेरचल है और रुईपल्ली है, ये जिस तरह से 18 मसाजिद है जो उसको इस वक्त इसकी तकसीम अमल में लाए हैं। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ हाफिज हमारे खालिद साहब के लिए और हमारी उम्र दराजी के लिए हमको दुआ में याद रखें, हमेशा दुआ में याद रखें सेहत और आफियत के लिए, और साथ ही साथ कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो आज मुल्क भर में जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी के लिए। और हमारा मकसद ये है कि हम बरसा बरस से हमारे वाली साहब, बड़े भाई साहब और जितने भी अफराद खानदान हैं, हम खिदमत खल का काम कर लेते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी गुज़िश्ता 50 सालों से सहाफत में रहते हुए एक अखबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बीकेगुड़ा मस्जिद के पीछे जना मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी, जो समाजी कारकुन और सीनियर सहाफ़ी और अवामी खिदमत गुजार, में कई सालों से ये लोगों में यानी लोगों की खिदमत करते जा रहे हैं, तो इनके लिए कई किस्म के खिदमतें इन्होंने अंजाम दिए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने कई लोगों में, कई गरीब गुरबाओं में राशन किट की तकसीम अमल में लाई है, दारुल उलूम मुहम्मदिया की जानिब से, जनाब सलीम साहब की जानिब से, और कई लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर लोगों को इसमें मदद कर रहे हैं। और पिछले साल से, गए साल से ये इमाम साहबान और मौज़न साहिबीन के लिए जो इमदाद अमल में लाई जा रही है, तो गए साल में भी थोड़ा बहुत इमदाद की गई थी, 2000 रुपये और 1500 रुपये मौज़नीन को, इमाम साहिबान को 2000 रुपये की इमदाद तकसीम की गई थी खालिद साहब की तरफ से और दारुल मोहम्मदिया की तरफ से। तो ये इस साल भी कुछ ज़्यादा इमाम मौज़न होने की वजह से इस साल भी थोड़ी सी इमदाद में थोड़ी तख़फ़ीफ की गई है, क्योंकि इमाम साहब को, हर इमाम को 1500 रुपये और मौज़िनीन को 1000 रुपये की इमदाद इस साल दी जा रही है। ये बहुत ही कार खैर का काम है और ये तमाम ये काम में आगे बढ़ाने के लिए काम में नसीरुद्दीन खादरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने ऐसे कई खिदमतें अंजाम दी है, अल्लाह ताला उनको, उनके आलो आयाल को, उनके पूरे ख़ानदान को ये इसका अजर अता करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कार खैर का काम है। अल्लाह ताला इनको बहुत और भी और ऐसे ऐसे काम खिदमत अंजाम देने की इनको अल्लाह ताकत अता करे, ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जरिए एक अहम काम ले रहे हैं, ले रहा है, जो खिदमत खल्क बेहतर अच्छा काम है दुनिया में। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, तुम हरगिज कामयाब नहीं हो सकते, हरगिज फलाह नहीं हो सकते, कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपना प्यारा माल अल्लाह के राह में खर्च न कर दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कह दिया, लेकिन खिदमत खल्क करेगा कौन? हम ही लोग में से कोई अच्छे इंसान होते हैं जो खिदमत खल्क को अंजाम देते हैं। और मैं जिस मस्जिद में इमाम हूँ, खतीब हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि नसीरुद्दीन कादरी साहब जो है, जो संगे बुनियाद से लेकर सत तक स्लीप पढ़ते तक जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हाथ से काम लिया, एक दूसरे के साथ
मिलजुल करके जो है हाथ बढ़ा कर जो है उस मस्जिद को जो है अंजाम दिया। आज मैं उस मस्जिद का जो है मस्जिद सईदा फारूकी जिसका नाम दिया गया है उस मस्जिद का मैं भी खतीब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा काम लिया है और उस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह जो है नमाजी आ रहे हैं और खत्म कुरान पढ़ा जा रहा है, तरावी हो रही है। कितना बड़ा अच्छा काम है, यही खिदमत खल्क होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जरिए से और भी काम दीगर काम ले रहे हैं। आज भी जो हम लोग आए हुए हैं तो एक जो है एक छोटा सा इनाम जो है अतिया दिया जा रहा है। हमें भी जो है बुलाया गया था कि आपको भी जो है आप भी इमाम हैं और आप भी आइए जो है आपको भी कुछ इनाम मिलेगा। ये रमजान मुबारक का महीना है, बरकत वाला महीना है। ये कहा जाता है कि एक अगर रुपया कोई खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व ताला 10 गुनाओं से जो है इनायत फरमाता है, 70 गुना से इनायत फरमाता है। ये जो है हत्ता कि ये भी आता है कि अगर कोई जो है आदमी जो है नफल नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ता है तो उसे फर्ज नमाज का सवाब मिलता है और जो फर्ज पढ़ता है तो उसे 70 जो है गुना जो है फरजों का आदाम मिलता है, सवाब मिलता है। तो आप लोग और हम लोग जो आए हुए हैं एक जो है एक जरिया लिए आए हुए, एक उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला इनके जरिए से एक जो है एक जो है एक इनाम बनाया है, एक जो है अतिया दिया जा रहा है खतीबों को इमामों को जो उनका एक सहारा बने, एक जो है उम्मीद हो जाए जागे। मैंने तो पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, इंशाल्लाह सुना हूँ अभी भी जो है बयान किया गया है कि पिछले साल भी दिया गया है और इस साल भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जितना नवाजेगा और जितने लोगों को शरीक करेगा, कमेटी में दाखिल करेगा, महमूदिया जो है दारुल उलूम महमूदिया सोसाइटी के नाम से जो है दिया गया है, नाम रखा गया है, इनके जरिए से जितने भी लोग हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करेंगे कि और लोगों को इनमें शरीक होने की जो है हिदायत अता फरमाए और इस काम को जो है मुकम्मल और कामरान अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि हम मुसलमानों को भी जो है खूब खूब जो है दीन इस्लाम में चलने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। व आखिर दुआएं हैं मैं हाफिज इजारुल हक साहब से गुजारिश शायद उस खान और मुल्ला इस मर्द और करुणा के वबा से सबको महफूज कर जमी खानदान जमी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मैं रहमत को या रहमत इन अल्लाह व मलाइकातु सल्लु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।